वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फाइनली हम वेद निकेतन आश्रम में पहुंच ही गए। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई, वो चैलेंजेस आते ही हैं जब हम नई जगह पे आते हैं, और ख़ास तौर से जब जब बारिश का माहौल हो रहा हो। है 12 जुलाई, आज है हमारा पहला दिन ऋषिकेश में वेद निकेतन आश्रम में। पहले यहाँ पर आते ही हम लोगों को एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, उसके बाद आईडी कार्ड्स एंड देन लंच के लिए प्रोसीड कर दिया, क्योंकि एक बज गया था हमें यहाँ तक पहुँचते। हमें रूम अलॉट होने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और सबको रूम देना और सबका एकदम से मिसमैच ना हो जाए वो सब देखना, तो थोड़ा सा टाइम हमें लगा इस चीज़ में, इस प्रोसेस में, बट फाइनली हमें रूम मिल गया। चलो अब हम चलते हैं लोकल मार्केट में, आश्रम के पास है, राइट साइड से शुरू हो जाती है मार्केट, और वहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं तो इतनी खुश थी कि बस ऋषिकेश आ गई तो जन्नत मिल गई। सो हेयर मीट माय फ्रेंड, इसका नाम है सोनम। हमें यहाँ पे आईडी कार्ड्स भी मिले सबको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, फिर टीचर को भी इजी रहता है ना कम्युनिकेट करने में। सोनम मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई आते ही, और हमें फिर बात करके पता लगा कि हम जूनियर सीनियर रह चुके हैं कॉलेज में। शी इज़ फ्रॉम डीक्रस्ट एंड मैंने भी डीक्रस्ट से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। सो वो यहाँ पर आती रहती है ऋषिकेश में एडवांस कोर्स के लिए, तो वो मुझे मार्केट में घुमाने लेकर गई इतनी बारिश में, और उसको काफ़ी मार्केट का आइडिया भी था, और उसने मुझे एक दो चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी परचेज भी करवाई हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इतनी तेज बारिश हो रही थी जब से हम लोग आए यहाँ पर, इतना पानी भर गया था, फिर भी इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम निकल गए मार्केट के लिए। पूरा पानी भरा हुआ है, छाता लेके निकल रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, महादेव के पास जा रहे हैं, गंगा किनारे जा रहे हैं, मतलब मेरे लिए तो फील है यार। हम लोग यहाँ 1 बजे के आसपास आए, और आते ही लंच का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों को खाना मिल गया, चावल रोटी सब्जी पोहा, बड़े मज़े से खाया यार हम लोगों ने, भूख लगी थी। गंगा नगरी आने की इतनी खुशी थी इतनी बारिश में भी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में बहुत तेज़ बारिश थी, और मैं वहाँ जाके गंगा स्नान करना चाहती थी, बट बहुत तेज़ बारिश थी, और घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोल के भेजा था कि कुछ भी हो जाए गंगा के पास नहीं जाना, बट मैंने स्टिल इसलिए सिर्फ दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी मिलती है गंगा किनारे जाके। मार्केट में घूमते घूमते हमें मिली द जूस हाउस। यहाँ पे सोनम पहले ही बहुत बार आ चुकी है, तो वो मुझे लेकर गई और कहने लगी कि बहुत ही टेस्टी फ्रूट चाट मिलता है, तो हमने यहाँ पे फ्रूट सैलेड ऑर्डर किया। एंड गाइस ट्रस्ट मी, उसने कैसे तो बनाया ना, उसको देखते ही इतनी इतनी क्रेविंग हो रही थी, ऐसे मुँह में पानी आ रहा था। और इसमें क्या क्या था देखो, उसने फ्रूट्स डाले, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन, अनार डाले, उसके बाद म्यूजली डाली, ठीक है, म्यूजली को अच्छे से मिक्स किया, कोकोनट मिल्क डाला, डेट सिरप डाला, चीनी भी डाली, मिक्स किया, और हमने एडिशनल जो भी करवाना होता है हम वो डलवा लेते हैं, तो आप यहाँ पे सोय मिल्क वाली भी ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके पास वैरायटी अवेलेबल है। और ये हमें पड़ा था 250 रुपीज़ का, इतना बड़ा बाउल था ना, मतलब मैं तो के लिए कभी नहीं खा सकती, और आई गेस गर्ल्स में से जो बहुत ज़्यादा फूड लवर होगी ना वो ही खा सकती है, या फिर जिसकी डाइट अच्छी होगी। हम दोनों तो इसको मिल के भी ऐसे हो रहा था यार बस ख़त्म, और उसको लेकर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये सोगी सोगी हो जाएगा। तो आप कभी ऋषिकेश आओ ना तो ये फ्रूट चाट ज़रूर ट्राई करना, और मैं तो इसको घर पर बना के भी ट्राई करने वाली हूँ। आई होप कि ये बनेगी।
हैविंग आवर फ्रूट सैलेड विद दिस व्यू, ओह माय गॉड। सडनली मार्केट में घूमते घूमते मुझे ये शॉप दिखी और मुझे याद आया कि हमें किसी ने गीता प्रेस गोरखपुर की, अभी रिसेंटली पार्टी में हम गए थे तो वहाँ पे इन्होंने भागवत गीता गिफ्ट की हम। गुरु जी कहेंगे यही तो। वेद निकेतन धाम के पास परमार्थ निकेतन धाम भी पड़ता है। यहाँ पर हर रोज सुबह शाम गंगा आरती होती है। तो इतनी तेज बारिश थी, सभी लोग छाता लेके खड़े थे और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये महादेव की मूर्ति जो मैं हमेशा वीडियोस में देखती थी, आज मैं उसे पहली बार लाइव देख रही हूँ और वो भी इतने तेज गंगा के बहाव में। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा, हर हर महादेव। हम लोग यहाँ सभी गंगा आरती के लिए खड़े हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। सब लोग रेनकोट में ही अम्ब्रेला लेके गंगा आरती देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं और मैं इतनी तृप्त हूँ अंदर से क्योंकि मैंने ये हमेशा महादेव को वीडियो में देखा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये जानकी झूला के पास है, मैं तो सोचती थी केदारनाथ में है, बट मुझे यहाँ पर आके इतनी खुशी हो रही है। और मैं हमेशा राम झूला लक्ष्मण झूला ही गई हूँ, राफ्टिंग की है, स्टे भी किया है ऋषिकेश में, कैंपिंग की है, बट ऐसा कोर्स करने पहली बार आई हूँ। सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी खोज में आए हैं, प्रभु की तलाश में आए हैं, महादेव की तलाश में आए हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है और रेड अलर्ट है, बारिश है, गंगा आरती है, महादेव है, सब मिक्स्ड इमोशंस हैं, खुशी है, तृप्ति है, कैसे समझाऊं यार मैं क्या फील कर रही हूँ। इट्स अ ड्रीम फॉर मी, मतलब बहुत पहले से ही, बहुत सालों से। तो अभी घर वालों ने भी चलो भेज दिया है कि जाओ आप खुल के जी कर आओ अपनी ज़िंदगी को। सो हमें यही तो लाइफ में चाहिए ना यार, मतलब आई एम सो हैप्पी। इसके अलावा मैं क्या ही शेयर करूँ आप लोगों से, मैं इतनी खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। We are going to attend the live art. लगभग 2-3 घंटे हम मस्त मजे करके आए। जब हम गए थे बहुत तेज बारिश थी, वापस आते आते हम बारिश को बंद करवा के आए हैं ताकि थोड़ा गंगा मैया को भी आराम मिले। और अगर आपने मेरा अभी तक वेद निकेतन धाम का व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी जाओ देखो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कितनी बार इस आश्रम में आए हो और कौन कौन से कोर्स करे हैं, कौन कौन से टीचर्स के साथ कोर्स करके गए हो। जानकी झूला क्या पहले कभी सुना था? मैंने तो पहली बार ही सुना है, मैंने तो बस 2 ही झूला सुना था आज तक, मेरे लिए भी नया था ये। और इस आश्रम को
जाके इनके पेज पे सब्सक्राइब कर दो, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मिस इक्वेरियस के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी वेद निकेतन धाम का पेज है, तो जाओ लाइक 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 कर दो। ये रूम से व्यू दिख रहा है यार, इतना प्यारा, इतनी तेज बारिश, गंगा तो दिख ही नहीं रही, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, सब कुछ एक सफेद चादर में ढका हुआ है। इसी के लिए तो मैं मरती हूँ यार, मतलब मरना इन द सेंस कि मतलब मैं, मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे नेचर से कनेक्ट होना, बट अंदर से डर भी है, डर भी था और शायद रहेगा भी जब तक घर नहीं पहुँच जाते हैं, क्योंकि घर वालों ने बहुत रिस्क पे भेजा है आपकी बार। और आज का ये बारिश भरा दिन ख़त्म हुआ सौरभ सर के सत्संग के साथ, इतना प्यारा सत्संग था। बहुत सारी शॉपिंग करी मैंने जितना मुझे सही लगा, और थोड़ा बारिश के चक्कर में थोड़ा मार्केट गंदा भी होया हुआ है, गंदा इन द सेंस लोग कूड़ा वगैरह तो फेंक ही देते हैं। गाइस, आपको मेरा ये मार्केट का व्लॉग कैसा लगा, फर्स्ट डे ऋषिकेश का व्लॉग कैसा लगा, डे वन इन ऋषिकेश,